गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं साइबर क्राइम के ऊपर। दिनों दिन जो साइबर क्राइम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये ना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और अभी फिलहाल ही मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसे ही एक साइबर क्राइम हुआ है कि उसकी इंस्टाग्राम आईडी से किसी लड़के ने ना मतलब फोटो उठा ली। देन फोटो उठाने के बाद उसकी फोटो के मतलब फोटो लगा आगे फोटो लगाई और पीछे उसके एक एडल्ट वीडियो चला दी। अब वीडियो चलाने के बाद उसने मेरी जो फ्रेंड था, मेरी फ्रेंड थी ठीक है, उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि मैं ये जो वीडियो है ना ये मैं देखो, जो फोटोज थी ना वो फोटोज इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर से उठाई थी उस लड़के ने। और फोटो उठाने के बाद उसको एडिटिंग किया, आगे दो तीन फोटो चली और पीछे एडल्ट मूवी चला दी। तो उसने ऐसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया मेरी फ्रेंड को, बोलने लगा कि अगर आपने कोई मतलब उसे पिक्चर मांगने लगा, अगर आप पिक्चर नहीं मेरे पास भेज रहे हो ना आप अपनी, तो मैं इस जो ये वीडियो बनाई है मैं ये शेयर कर दूंगा। अब बेचारी मेरी फ्रेंड भोली भाली, इतना कुछ कहाँ पता उसको, उसने उसी टाइम मेरे पास मैसेज किया, कॉल किया कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो भाई मैंने क्या जानकारी निकाली। अब मैं शुरू से बताता हूँ कि बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी। बात हुई थी कि एक लड़की है, और लड़की भी मैं बता दूं वो हमारे गांव की लड़की, वो फेक लड़की थी। मतलब हमारे गांव की लड़की के नाम पर किसी लड़के ने अकाउंट बनाया हुआ था। अब यहां से बता रहा हूं, मैं स्टार्टिंग से जा रहा हूं, हमारे गांव की लड़की के नाम से फेक अकाउंट बनाया हुआ था। और उसी लड़की की उसी जो डीपी थी वो डीपी भी उसी लड़की की लगाई हुई थी। तो उस लड़की का जो अकाउंट था उस पे से मेरी जो फ्रेंड थी उसके पास मैसेज गया, ठीक है, हेलो हाय, ऐसे तो होता ही है, चलो एक लड़की लड़की को मैसेज कर ही सकती है। तो उसने भी ऐसे मैसेज किया। अब चलो बात करती रही। अब उसने हमारे गांव की जो लड़की के नाम से फेक अकाउंट था, ठीक है, तो उस पे से उसने बताया कि जो मेरी फोटो थी, मैंने आपका आप मेरी जो फ्रेंड थी उसने पूछा क्या मुझे कैसे जानते हो आपने मुझे मैसेज किया। तो उसने बोला कि मेरी जो फोटो थी वो PSCC कोई मतलब उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ उसमें फोटोज थी, तो मेरी तो रिमूव हो गई है बट आपकी जो फोटो है ना वो उसी में पड़ी है और आप भी उसमें से ना अपनी फोटो रिमूव करवा दो। तो मेरी फ्रेंड अब उस अकाउंट पे चली गई जिस अकाउंट के बारे में उसने बताया था कि उस पे आपकी फोटो पड़ी है। अब उस अकाउंट पे बोला कि मेरी फोटो रिमूव कर दो। बट जब उसने ऐसे बोला, उसने क्या किया, मेरी फ्रेंड की जो वीडियो थी वो उसके पास भेज दी कि ये देख मैंने तुम्हारी वीडियो बना रखी है, अगर और फोटो ना भेजी ना आपने, ऐसे ऐसे एडल्ट फोटो मंगा रहा था, न्यूड फोटो। तो मेरी फ्रेंड वहां से डर गई। अब खेल, मैंने तो उसको अपना पार्ट जो था सब था उसने मुझे बताया, मैंने चैट करना स्टार्ट कर दिया उसकी आईडी से दो मिनट में। नहीं मैम, उसकी ना मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो मैंने उसको अपने वे में समझाया मैं कैसे, तो बोला मैम मैंने आपकी फ़ोटो रिमूव कर दी है, अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना साइबर क्राइम आज चल रहा है, ऐसा मेरी फ्रेंड के साथ नहीं, आज के टाइम में जो भी लड़की पब्लिक अकाउंट रखती है उसके साथ हो सकता है। अभी तक देखो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, कल आपके साथ हो सकता है, आपकी बहन के साथ हो सकता है, आपकी बेटी के साथ हो सकता है। तो इस चीज से ना क्या चीज सीख रही है, सीख मिलेगी आपको कि जो आपका अकाउंट है कभी भी प्लीज गर्ल्स हमेशा पब्लिक मत रखा करो, क्यों, थोड़े से व्यू लेने के चक्कर में ना कि हाँ रील बना दी व्यू आ जाएंगे, इसके चक्कर में ना ये जो क्राइम करते हैं साइबर क्राइम ये आपकी जिंदगी खराब कर देंगे। अब मैंने उस लड़के के बारे में थोड़ी और डिटेल की कि ये लड़का है कौन, तो कहाँ से स्टार्ट किया। अब जिस लड़की के नाम से उसने अकाउंट बनाया हुआ था मैं उनके घर पे जा पड़ा, उस लड़की के भाई से पता किया कि हाँ तेरी लड़की तेरी सिस्टर से पता कर भाई ये अकाउंट वही चलाती है क्या। अब उसके पास गया, वो लड़की बोली नहीं मैं तो इस अकाउंट को नहीं चलाती और मेरा तो ये अकाउंट भी नहीं है। यहाँ पे और कन्फ्यूज हो गया मैं,
कि ये अकाउंट तो लड़की भी नहीं चला रही और फोटो इसी लड़की की है। तो मैंने उस लड़की को बोला कि आप कुछ मत करो, जो ये अकाउंट बना हुआ है ना, इस अकाउंट को आप पास ही के थाने में जाओ, अपने गुला थाना में रिपोर्ट करवा दो, क्योंकि आपका ही नाम यूज हो रहा है, आप ही की फोटोज है उसमें। और क्या कर रहा है, अपनी उस PSSC पंजाबन गर्ल्स के नाम से वो आईडी है, ठीक है, और उस फोटो पे उस पे प्रोफाइल पे भेजता है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेजता है, और वहां पे क्या करता है, उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। तो अब इसमें सबसे मेन जो मुद्दा कहां था, इसी लड़की की आईडी से की है ना वो, तो और ये तो वैसे इस आईडी को चला भी नहीं रही। तो मैंने कहा कि हाँ, इस तुम्हारी आईडी की रिपोर्ट दर्ज करवा के आ वहां पे, ऐसे चुप मत बैठ तू। तो लड़की बोली ठीक है, मैं इसकी रिपोर्ट करवा दूंगी, क्योंकि वहां पर किसकी, लड़की की फोटो यूज हो रही है ना, लड़की की ही फोटो यूज हो रही है, और लड़की का ही नेम है, उसी लड़की के नेम से आईडी बना रखी है। तो अब वहां से देखो, लड़की के माइंड में एक बात आई कि हमारे ही गांव का एक लड़का है, उसने एक दिन उस लड़की को टोका होगा कहीं पे, वो बेचारी अभी स्कूल में जाती है, अभी तो इतनी बड़ी भी नहीं हुई वो लड़की कि किसी को ब्लैकमेल कर सके। तो उस लड़के ने ना उस लड़की को किसी रास्ते में टोका होगा, उस लड़के ने बोला कि हाँ, मैं तेरे नाम से ना फेक आईडी चला रहा हूँ, मैं ना ब्लैकमेल करूंगा तुझे भी, मतलब ऐसे उसको बोला होगा। अब वहीं से हमें पता चल गया कि इस अकाउंट को कौन चला रहा है। तो मेरी बात सुन ले रे भाई, लड़का मैनू पता चल गया कौन है, ठीक है, और अपनी बात हम आ गए, मैं के मिला तेरे पा भी जाएगी वीडियो, मैनू पता जिस ग्रुप में मैं इस वीडियो का लिंक फेंकूंगा उस ग्रुप में तो भी हैं, और तेरे पा भी वो वीडियो जाएगी, दी बहन तेरा अगर भी है, और बाबी नु छेड़ने का चक्कर में तेरा थपेड़े ही पड़ रहे हैं, पहला खुद सगी बाबी छेड़ रहे तो यार तेरा थप्पड़ पड़ रहे हैं, अरे तो फेक आईडिया बना बना का ब्लैकमेल कर रहे हैं लड़कियां, बोल रहे हैं न्यूड फोटोज भेज, इतना ही शौक है ना चूड़ियां पाले तो साले। और हाँ, जे ईब थे किसी, अब इसी लड़की के साथ नहीं किया, हाँ एक चीज और कि उनके ही गुआंड में एक लड़की है, और नाम नहीं मिलूंगा उस लड़की का, उसको भी ऐसे ही मैसेज किया, इसी लड़की ने बताया, जिस लड़की के नाम से इसने अकाउंट बना रखा है ना, इसी लड़की ने बताया कि मेरे नाम से अकाउंट बना, मेरी फोटो लगी हुई है, और हमारे गुआंड में जो लड़की है उसके पास मैसेज गया, लड़की को बोल रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे वीडियो बना रखी है, मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, ऐसे गुआंड में खुद घर के पास में। अब देखो उस लड़के ने क्या किया, अपने ही गुआंड में एक लड़की है, उसको भी ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, बताओ भाई। अब वो लड़की ने भी देखा भी ये तो अकाउंट उस लड़की का है, उस लड़की के पास गई तो लड़की ने बताया कि ना, मैं तो नहीं चला रही इस अकाउंट को, मुझे खुद नहीं पता कौन चला रहा है, बट उसको उसने जब माइंड में घुमा के देखा ना कि इस अकाउंट को कौन चला रहा है, तब उसको जाके समझ में आया कि एक दिन ना उस लड़की ने मुझे रास्ते में टोका था। यहां से हमें पता चला कि उसको कौन चला रहा है। और भाई अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो बात सुन ले, एलते तेरा नाम पड़ा, ठीक है, और ज़्यादा दूर तेरा घर नहीं है मेरा घर ते, और तेने अपना गांव की लड़कियां ही ब्लैकमेल करनी है स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में तो अपना गांव नू छोड़ कर पेवा तक भी पहुंच गया, पेवा की लड़कियां भी तेने ब्लैकमेल करी हैं, ज़्यादा छो आप जेंडर चेंज करवा ले साले। बस मैं यही मैसेज दे रहा था इस वीडियो में भाई, प्लीज गर्ल्स को हमेशा कि अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हो ना, तो प्लीज उसको प्राइवेट रखा करो, रील्स वायरल करवाने के चक्कर में, फोटोज वायरल करवाने के चक्कर में प्लीज ऐसे काम मत किया करोगे, आप अपने अकाउंट को पब्लिक बना देते हो, क्योंकि ये जो अब ये साइबर क्राइम उठ रहा है ना, ये ऐसे ही करते हैं, आपकी प्रोफाइल से अपनी आपकी फोटो को डाउनलोड कर लेंगे, देन डाउनलोड करने के बाद उसके पीछे क्या होता है, उसकी एडिटिंग करके कोई और फोटो लगा दें उसके नीचे, या फिर देखो अभी मैं यहाँ पे साइड में वीडियो भी चला दूंगा, इसमें देखना कि फोटो चलती है, फोटो चलने के बाद पीछे एडल्ट मूवी लगा दी,
अब धमकियां दे रहे हैं। तो मेरी बहनें और मेरे भाई जिनकी बहनें हैं, अपनी बहनों को भी समझाओ कि जो आपकी अकाउंट है वो हमेशा प्राइवेट रखें अगर आप बनाते भी हो। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई साइबर क्राइम केस है आ रहा है, कोई आपको धमका रहा है, तो मैं साइड में नीचे नंबर चला रहा हूँ एक पट्टी पे, ठीक है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी ना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो कि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मुझसे पिक्स मांग रहा है या फिर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उस नंबर से आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो मेरी बहनें, अगर ये वीडियो देख रही है और आपके साथ भी कोई ऐसा कोई केस हो रहा है, तो प्लीज़ ये जो नीचे नंबर चल रहा है, आप इस नंबर पे हेल्प ले सकते हो। जब आप इस नंबर पे कॉल करोगे, आप जिस भी स्टेट के हो, उसी स्टेट का जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, अपने आप वहाँ कॉन्टैक्ट हो जाएगा और आप वहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।